नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, जनवरी 2020 का कैसा रहेगा राशिफल, इस बारे में बात करूंगा आप लोगों से। साथ साथ थोड़ा डिटेल में ये राशिफल होगा। कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे इवेंट्स को हम लोग ले पाएँ। तो वीडियो को कहीं पर छोड़ के मत जाइएगा, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी आशा के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करने में किसी तरीके की कंजूसी आप नहीं करेंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि राहु मिथुन राशि के तृतीय भाव में रहेंगे, मंगल वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में रहेंगे, बृहस्पति और शनि सूर्य बुध केतु धनु राशि का नवम भाव में रहेंगे, शुक्र मकर राशि का दशम भाव में और चंद्रमा कुंभ राशि के 11वें भाव में चरायमान रहेंगे। शुरुआती दौर की स्थिति देखते हैं। मिथुन राशि वालों को सबसे पहले 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, शुरुआत आपकी बहुत शानदार होने वाली है और कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय अच्छा है। या सरकारी महकमों में अगर आपका कोई फाइल लटका हुआ है तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हो सकती है और उनका जो मार्गदर्शन है वो आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर लाभप्रद हो सकता है। देखिए, आप अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, शुरुआती जो दिन होंगे उसमें अध्यात्म से भी आपका जुड़ाव रहेगा। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को पैसा आपने दिया है मिथुन राशि वालों, तो वो वापस आने की पूरी उम्मीदें हैं शुरुआत के दिनों में ही। तो यहाँ पर स्थिति शुरुआत की जो 10-15 दिन है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन 7 तारीख को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन अच्छे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पैसा उधार दे दें। आपको चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और अपनी जो पारिवारिक जिंदगी है उसके प्रति भी आपको अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 8 तारीख को कुछ समाचार ऐसे प्राप्त होंगे जिससे कुछ बेचैनी हो सकती है, कुछ उलझे हुए आप रह सकते हैं। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। आपकी जो शुभचिंतक हैं वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आपके जो काम हैं वो बनने लगेंगे। लव रिलेशनशिप्स यहाँ पर मुझे लगता है कि सुधरेंगी। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या कुछ नया करना चाह रहे थे तो यहाँ पर स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कुछ दायरे से उठकर नया सोचने की उम्मीदें आप इन दिनों में लगाएंगे और शुभ फलों की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। लेकिन मिक्स बैग का ये बीच का जो फेज रहेगा 10 से 20 तारीख के बीच का, इसमें मिक्स बैग की फीलिंग आपको ज़रूर होगी। आपको ध्यान देना होगा अपनी नौकरी पर, अपने व्यापार पर, जिससे कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई भी मौका आप दूसरे को ना दें। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि घर परिवार में किसी तरीके का कोई वैमनस्य इस्टेब्लिश ना हो तो बेहतर है। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए, पुरानी चिकनी चुपड़ी बातें जो लोग करते हैं आपसे, उन बातों से आपका कोई लाभ यहाँ पर नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप निवेश करते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखें और जितना हो सके छोटे मोटे लाभ के चक्कर में बड़ा अमाउंट अपना ना यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो बेहतर रहेगा। अध्यात्म की तलाश रहेगी। कुछ मंदिरों के चक्कर आप लगा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जिस धर्म भी धर्म को आप मानते हैं उसमें आप जाते हुए दिखाई देंगे। मन को शांति के लिए आप यहाँ पर करेंगे। तो बीच का जो फेज है 10 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक का, उसमें मिक्स बैग की फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब 20 तारीख के बाद जो स्थिति आएगी वो उसमें जो भटकाव थे वो यहाँ पर आपके कम होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को संभाल कर आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ भूलने की थोड़ी सी यहाँ पर प्रवृत्ति आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। 27 तारीख तक आते आते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो विघ्न आ रहे थे वो कम हो जाएंगे और आपको वो सब चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी कहीं ना कहीं वो आपको नहीं करेंगी परेशान। तो बीच का जो फेज है जनवरी का वो थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको मिक्स बैग की फीलिंग यहाँ पर लेकर आएगा, लेकिन जाता हुआ जो समय रहेगा जनवरी के जो लास्ट समय रहेगा उसमें आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कार्य कुशलता है, या कहूँ आपकी जो स्किल्स हैं,
उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं अगर कोई लीगल कहीं का बातें चल रही थी, अगर आपकी संबंध विच्छेद की कहीं बातें चल रही थी या भूमि से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, कहीं कब्जा आपकी पूरा प्रॉपर्टी पे हो गया था, तो उसमें आपकी विजय यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मेहनत करने से तो खैर देखो आप पहले भी नहीं घबराते थे और अब भी नहीं घबराओगे। तो कुल मिलाकर शुरू के 10 दिन जनवरी के बहुत शानदार हैं, बीच के थोड़े से मध्यम हैं, लेकिन लास्ट के जो 10 दिन हैं, जो 11 दिन हैं 20 से 31 तारीख के बीच में, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी से बच के चलना है, किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी में आपको नहीं जाना है, किसी विवाद में आपको नहीं फंसना है, लव रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपको नहीं चाहिए। अगर वो कोई थर्ड पार्टी करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रिलेशन को यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश करेंगे लोग। आपको किसी की बातों पर नहीं विश्वास करना है, आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल कर चलना है, लेकिन जीत आपकी होगी, इस बारे में कहीं ना कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये महीना मिला जुला ही रहेगा, शुरुआत के 10 दिन अच्छे, बीच के थोड़े से उठक पटक वाले, और लास्ट के जो 10 दिन होंगे वो आपको पटरी पर लेकर आएंगे। फरवरी में क्या रहेगी स्थिति, उसकी चिंतन करूंगा जब फरवरी का आपके लिए राशिफल दूंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और जो नंबर आपके सामने आ रहा है 9411848508, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।